महीने से महीना सब या हमका मर्सी दिखा रहे थे। कौन देख पाता है हमका मर्सी दिखा रहे और दूसरे हमारे रामा राशिया चिवाई पास है जवान में जिनके नाव से आदमी में भर रहे थे। तो हम महीने खड़ बात से ध्यान पा था तब हम गए देख पा रहे थे कहल भगवान का तो कोई नई सेहत बननी हो रुपया 50,000 दो हमका 50,000 रुपया हमका दो सैयद में नवाओ नहीं वरना चाहे थाम जाओ चाहे भू जाओ जमीन तुम्हें ना हो वरना नहीं। अगर आपने पंकज त्रिपाठी की कागज फिल्म देखी है तो इस कहानी से जल्दी जुड़ पाएंगे। जी हाँ, वही कागज फिल्म जिसे यूपी के सीतापुर में फिल्माया गया था और यह कहानी भी सीतापुर की है। अब आपको सरकारी सिस्टम के शिकार हुए इस बुजुर्ग की कहानी से रूबरू करवाते हैं। साहब मैं जिंदा हूँ, लेखपाल ने मुझे भूमि की खतौनी में मृतक दर्ज करके भूमि की विरासत दूसरे व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दी है। इस गुहार को लेकर एक बुजुर्ग दलित किसान अधिकारियों की चौखटों के चक्कर लगा रहा है परंतु उसकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। तहसील बिस्वाद क्षेत्र के ग्राम पड़रिया मजरा रेवान निवासी दलित बुजुर्ग किसान इतवारी पुत्र नंदा की भूमि खाता संख्या 45 की गाटा संख्या 926 ग्राम रेवान में स्थित है। बुजुर्ग किसान ने तहसील बिस्मा कर जब अपनी खतौनी निकाली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। खतौनी में पीड़ित किसान को क्षेत्रीय लेखपाल ने मृतक दर्ज कर भूमि की विरासत 3 अन्य लोगों के नाम दर्ज कर दी। आनन फानन में बुजुर्ग पीड़ित के सामने लेखपाल के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज की तो लेखपाल ने उसे डरा धमका कर भगा दिया। पीड़ित किसान इतवारी का आरोप है कि लेखपाल ने उससे जमीन वापस करने के नाम पर 50,000 रुपए बतौर सुविधा शुल्क की मांग की। लेखपाल की मनमानी से परेशान पीड़ित किसान ने उप जिलाधिकारी बिस्वा सहित अन्य उच्च अधिकारियों को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई।